अपने सेल्स मैन्स हायर करते हैं, इस हिसाब से आप अपना एक प्लेटफॉर्म पूरा रेडी करते हैं, उसके बाद बिजनेस को शुरू करते हैं। यहाँ पे तीन तरीके के प्लेटफॉर्म, एक आपका खुद का अपना, दूसरा रेंटेड प्लेटफॉर्म एंड थर्ड वन इज द फ्री प्लेटफॉर्म। So hi, welcome to the second video of this series, and in this video we are going to discuss about types of platform. पहले तो हम ये समझेंगे कि platform की क्या need है, platform क्यों चाहिए, और उसके बाद उसके क्या-क्या types हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ offline marketing की, तो वहाँ पे भी आप अपना एक जब showroom start करते हैं या एक अपना business start करते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे, आप अपने प्लेटफॉर्म को तैयार करते हैं, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वहां पे आप मार्केटिंग करते हैं, उसकी बैनर्स लगवाते हैं, अपने सेल्स मैन्स हायर करते हैं, इस हिसाब से आप अपना एक प्लेटफॉर्म पूरा रेडी करते हैं, उसके बाद बिजनेस को शुरू करते हैं। इसी तरह ऑनलाइन में क्या है कि आप जब ऑनलाइन जाते हैं तो आपको एक अपना प्लेटफॉर्म रेडी करना होता है। चलते हैं स्क्रीन पे और दिखा देता हूं मैं आपको किस किस तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं। आज हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ पे तीन तरीके के प्लेटफॉर्म, एक आपका खुद का अपना, दूसरा रेंटेड प्लेटफॉर्म एंड थर्ड वन इज द फ्री प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब ऑफलाइन की बात करते हैं तो वहां पे दो ही तरीके के होते हैं, या तो आप खुद अपनी शॉप ओपन कर लें, या फिर खुद अपना स्टोर परचेज कर लें, या फिर आप किसी का रेंटेड ले लें। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन भी है, फ्री वाला, जो आपके यूज में आ सकता है अगर आप एज अ स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले योर ओन प्लेटफॉर्म। योर ओन प्लेटफॉर्म में आपका कंट्रोल रहता है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी रहती हैं, सब कुछ आपके हाथ में रहता है। अब वो जो प्लेटफॉर्म है, वो वेबसाइट या एप्लीकेशन, उसमें से कुछ भी हो सकता है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, और योर आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आप करना चाह रहे हैं आपका है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपके खुद के प्लेटफॉर्म होने के फायदे हैं डिजिटल। ठीक है, वो वेबसाइट और एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म का मतलब या तो आपकी वेबसाइट होगी या आपका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंटेड की। रेंटेड जस्ट लाइक कि आप किसी से रेंट पे ले रहे हो। सो लेट मी शो यू, ये क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बेसिस सर्विस होती है। आप थर्ड पार्टी से सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसके बेस पे आपको कुछ सर्विसेज ऑफर करती हैं कंपनीज। व्हेन लेट मी शो यू, जस्ट लाइक वेबसाइट स्टैंडर्ड सर्विसेज इनकी होती है, वेबसाइट ये आपको देते हैं, नो इश्यूज। मतलब ज्यादातर जो सर्विसेज मिलती हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, वो वेबसाइट की मिलती है। एप्लीकेशन के लिए आप जाते हैं तो वहां पे कॉस्टिंग थोड़ी अलग होती है, वहां पे पर्सनलाइज होता है, लेकिन वेबसाइट के लिए अगर हम बात करें तो इनकी एक स्टैंडर्ड सर्विसेज होती हैं, जिसका इनका चार्ज सबके लिए एक सा होता है। जस्ट लाइक स्टैंडर्ड सर्विसेज, थर्ड पार्टी टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चलेगी। बेसिकली ये क्या होता है ना, स्टैंडर्ड सर्विसेज देते हैं आपको, और दूसरी बात यह है कि कुछ थर्ड पार्टीज कंडीशंस होती हैं इनकी, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जो इनके कुछ प्लान्स होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं, जो प्लान्स और सर्विसेज, उस हिसाब से आपको परचेज करनी पड़ती है। एग्जाम्पल GoDaddy है, जस्ट डायल है, बहुत सारी कंपनीज है इसी टाइप की जो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देती हैं। अब हम बात करते हैं फ्री प्लेटफॉर्म की। देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं, ये यहाँ पे सब आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट लगेगा। अगर बात करते हैं रेंटेड प्लेटफॉर्म की, तो ये भी थर्ड पार्टीज जो हैं वो आपसे पैसा लेंगे, और आप खुद का प्लेटफॉर्म जाते हैं तो उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्री प्लेटफॉर्म की, सो दिस इज अ ओपन सोर्स के, मतलब ये सबके लिए फ्री है, यहाँ से आप एक शुरुआत कर सकते हैं अपने बिजनेस की। लेट मी शो यू, पेजेस एंड अकाउंट्स आप अपने बना सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और यहाँ पे लिमिटेड सर्विसेज हैं, मतलब लिमिटेड चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट नहीं मिलेगी, बट हाँ, आपको यहाँ से आपके बिजनेस, आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया कि ये प्लेटफॉर्म के क्या क्या टाइप्स हैं और क्या कॉन्सेप्ट है प्लेटफॉर्म के पीछे। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि आपके बिजनेस को क्या नीड है। तो ये हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि योर बिजनेस नीड।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल कैटनिक्स डिजिटल मीडिया.